Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE4131. I am Sanarstan from University of Education, Lower Mall Campus. Today I will a practical assignment, and it will be in Alto Relief Sculpture. जिसके अंदर आपने एक बिल्डिंग बनानी होगी जिसके अंदर आप टोम्स बनाएंगे ये असाइनमेंट आप क्ले में भी बना सकते हैं और वुड में भी बना सकते हैं आपके पास ऑप्शन होगी इन दोनों मटेरियल्स की जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में तो उसके अंदर आप एक ऑल्टर रिलीफ स्कल्पचर क्रिएट कीजिए सबसे पहले आपकी कोर्स आउटलाइन की बात करती हूँ तो जो आपकी कोर्स आउटलाइन है इट इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न स्कल्पचर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर प्री एंड पोस्ट सर्विस ऑफ एटीट्यूड्स अबाउट पब्लिक आर्ट एंड इट्स कम्युनिटी, आर्ट स्पेस एंड सिटी वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी थ्री प्रोजेक्ट्स ऑन वर्ल्ड विनाउंड कम्युनिटी

सम ऑफ द पॉइंट्स जो के कि uh, आपके सामने स्क्रीन पे हैं प्रोसेस डेड गो इन टू द क्रिएशन ऑफ स्कल्पचर तो जो भी आपका प्रोसेस होगा एक स्कल्पचर को बनाने के लिए डेट इज़ इंक्लूडेड एज अ कोर्स ऑब्जेक्टिव हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वर्कस यूजिंग टेक्निकेम्बलेज कास्टिंग कंस्ट्रक्शन एंड कार्विंग तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने वर्कस को बना सकें मुख्तु टेक्नीस का इस्तेमाल करते हुए उन टेक्नीस में असम्बलेज कास्टिंग कंस्ट्रक्शन और कार्विंग शामिल है और इन में से आज जो है हम कार्ग के बारे में बात करेंगे फॉर प्रैक्टिकल असाइनमेंट तो आपकी जो असाइनमेंट है वो आपके सामने है मेक एन ऑल्टो रिलीव स्कल्पचर ऑफ अ बिल्डिंग विद टोम्स मेक श्योर टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ़ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ग्राउंड मटीरियल क्ले एंड फर्ट तो आपने एक ऑल्चो रिलीफ स्कल्पचर बनाना है एक बिल्डिंग का जिसके डोम्स भी होंगे और आप कोई भी बिल्डिंग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे बादशाही मॉस्क है आप उसका कुछ पार्ट ले सकते हैं कोई एरिया उसका बना सकते हैं आपने फोकस करना है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे क्योंकि जो डोम्स होते हैं वो बहुत हाई जो है वो आपके ऑल्टो रिलीफ में जो वो बड़ा है वो हाई करके आप उसको बनाओगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके आगे जो आपका फोरग्राउंड है और जो उसके पीछे आपका बैकग्राउंड है आप उसको कैसे डील करेंगे आपने उसकी ड्राॅइंग बड़ी प्रॉपरली करके और फिर उसके बाद उसके अंदर से जो है वो कार्विंग शुरू करनी है रिलीफ़ स्कल्पचर अब चूँकि असाइनमेंट आपकी रिलीफ स्कल्पचर के बारे में है तो रिलीफ क्या है रिलीफ एक ऐसी स्कल्पचरल टेक्निक है जिसमें आप एक ऐसा स्कल्पचर बनाते हैं जो कि बैक से किसी न किसी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ अटैच होता है सो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने आपको ऑल्टो रिलीफ में असाइनमेंट uh, दी है तो बेसिकली जो बेसिक थ्री फॉर्म्स हैं स्कल्पचर की वो हैं बास रिलीफ ऑल्टो रिलीफ एंड इंटेग्लियो तो इन बास रिलीफ क्या है बास रिलीफ वो है जिसमें स्कल्पचर को जो है वो सिर्फ uh, थोड़ा सा स्लाइटली राइज किया जाता है फ्रॉम द बैकग्राउंड सरफेस यानी वो बैकग्राउंड सरफेस के साथ अटैच होता है लेकिन उसके साथ वो थोड़ा सा राइज हुआ हुआ होता है जबकि जो ऑल्टो रिलीफ है इन विच पार्ट ऑफ द स्कल्पचर इज़ रेंटेड इन थ्री डायमेंशनस इसके अंदर स्कल्पचर काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करके काफ़ी ज़्यादा उभार के बनाया जाता है और ऑलमोस्ट वो एक थ्री डायमेंशनल लुक देता है इनटैक् इंटेग्लियो जिसको संकन रिलीफ भी कहते हैं इन विच द इमेज इज कार्वड इन टू द सर्फेस मटीरियल तो इंटैग्लियो के अंदर जो इमेज है उसको सर्फेस मटीरियल के अंदर काव करके यानी खोद के निकाला जाता है और इसी वजह से इसका नाम संकन रिलीफ भी है तो थ्री बेसिक फॉर्म्स हैं स्कल्पचर की जिनमें से पहली है बास रिलीफ जिसे लो रिलीफ भी कहते हैं सेकेंड है ऑल्टो रिलीफ जिसे हाई रिलीफ भी कहते हैं और थर्ड है इंटैग्लियो जिसे संकन रिलीफ भी कहते हैं ऑल्टो रिलीफ हाई रिलीफ जिसमें अभी आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो करनी है इनवॉल्व द अंडर कटिंग ऑफ एट लीस्ट द मोस्ट प्रामनेंट थिंग्स ऑफ द स्कल्पचर सो डैट दे आर रेंडर्ड एट मोर देन 50 परसेंट इन द राउंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड तो यहाँ पर आपने अंडर कटिंग की टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है और उसके साथ जो है वो आप इस तरह से अपने स्कल्पचर को बनाएंगे एट वो फिफ्टी परसेंट जो है वो राउंड uh, शेप में नज़र आ रहा हो अगेंस्ट द हाउवर द डिग्री ऑफ रिलीफ में वेरे अक्रॉस अकॉम्पोजेशन विद प्रामनेंट फीचर सच एज़ डोम्स इन हायर रिलीफ तो आपने जो है वो जब अपनी रिलीफ स्कल्पचर आप बना रहे हैं तो आप देर इज़ नो कम्पलशन कि वो फिफ्टी परसेंट ही ऊपर होना चाहिए आपका जो डिग्री ऑफ लेवल है कि वो कितना ज़्यादा उभारा जाएगा और कितना नहीं वो डैट क्विट डेट इज़ अप टू यू आप उसके बारे में है वो ख़ुद से चॉइस कर सकते हैं कि वो फोर्टी परसेंट होगा सिक्सटी परसेंट होगा सेवेंटी परसेंट होगा मतलब किस हद तक आपने उसको उभार के अपनी असाइनमेंट के अंदर बनाना है मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स ऑल कल्चर्स एंड पीरियड्स वेयर लार्ज स्कल्पचर्स वेर क्रिएटेड यूज दिस यूज दिस टेक्निक एज वन ऑफ देयर स्कल्पचरल ऑप्शंस तो बहुत से कल्चर्स और पीरियड्स के दौरान इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता रहा है और बहुत से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं इसके ज़रिए इट इज़ प्रेजेंट इन मोन्यूमेंटल स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट अब एंशिएंट टाइम से यानी बहुत पुराने वक्तों से लेकर आज तक रिलीफ स्कल्पचर का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और उसमें ऑल्टो रिलीफ स्कल्पचर्स भी हमें नज़र आते हैं हेयर आर सम ऑफ़ द टूल्स कि अगर आप क्ले के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेस आपका क्या होगा अच्छा क्ले के बारे में हम हमने आपको पहले भी जब एक प्रोजेक्ट दिया था जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड एक स्कल्पचर बनाने के बारे में था डेट टाइम आल्सो आई हैव डिसकस विद यू अबाउट क्ले और किस तरह से वेट क्ले के अंदर जो है वो ये सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए जो है वो स्कल्पचर बनाया जाता है तो हेयर अगैन चूँकि आपकी असाइनमेंट रिलीफ से ही रिलेटेड है तो आई विल रिपीट द प्रोसेस थोड़ा सा मैं इसको तेज़ी के साथ आपके सामने दोहरा देती हूँ अगर आप चाहें तो आप उस लेक्चर को भी दोबारा देख सकते हैं अदरवाइज द प्रोसेस इज़ दैट कि आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट प्लान करना है उसमें से आपने एक्स्ट्रा क्ले निकाल देनी है अपने आर्ट वर्क की डेलिकेसी का आपने ख्याल रखना है कि वो कितना नाजुक है ऐसा ना हो कि आप क्ले निकालते जाएं उसकी डेलिकेसी बढ़ती जाए और वो अपनी जगह से गिर जाए या आप नीचे से ज़्यादा कार्व कर दें और वो ऊपर से हैवी हो ऐसी सूरत में भी वो कोलेप्स हो सकता है सो so अगर एक लंबा सा आपके पास एक कोई वॉस टाइप है और फिर आपने उसकी कार्विंग करनी है जो ज़्यादा कार्विंग इंक्लूडेड है अगर उसके अंदर तो फिर आप ऊपर से कार्विंग शुरू करेंगे नीचे से नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से कार्विंग करने की सूरत में नीचे से बेस आपके पास मौजूद रहेगी जबकि अगर आप बेस से कार्विंग शुरू करते हैं तो ऊपर वाला जो स्कल्पचर है पार्ट है वो कोलेप्स हो सकता है आउटलाइन कीजिए सरफेस की उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस निकालिए पॉजिटिव स्पेसेस वो हैं जैसे फ़ॉर एग्जांपल अगर आपने एक फ़्लावर बनाया तो जो फ़्लावर आपने बनाया दैट इज़ ए पॉजिटिव स्पेस और जो उसके बैकग्राउंड में चीज़ें मौजूद हैं वो नेगेटिव स्पेस है कार्व द नेगेटिव स्पेस एरियाज़ विद अ लूप टूल तो आप एक लूप टूल की मदद से जो भी नेगेटिव स्पेस एरियाज़ हैं खासतौर से जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होनी है उनको पहले ही निकाल दीजिए अगर आप एक ल्यूजन ऑफ परस्पेक्टिव क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एरियाज़ को मद्दनज़र रखना है कि कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे होगा जो पीछे होगा उसमें से क्ले को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर दीजिए और जो आगे उसमें से कम कीजिए आगे और पीछे की चीज़ों का ख्याल रखें कुछ चीज़ों को शायद आपको ओवरलैप करने की ज़रूरत पड़े जो ज़्यादा स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फर्दर बैक पीछे की तरफ स्पेस में चले जाएंगे इनाफ क्ले जो है उसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि आपका जो आर्ट पीस है वो क्लियर हो जाए अच्छा यहाँ पे आप जो है वो सामने एक असाइनमेंट दे, देख सक, आ, सामने जो है वो आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी असाइनमेंट में किस तरह से एक आर्किटेक्चर या बिल्डिंग को प्रेजेंट करना है जिसके अंदर डोम्स मौजूद हों अच्छा ये एक और एग्जांपल है ऑफ़ अ पिक्चर इट इज़ जस्ट टू शो यू कि आप इस तरह से भी कोई इमेज ले सकते हैं uh, जिसमें जो है वो एक झरोके से जो है वो दूर एक बिल्डिंग नज़र आ रही और है और उसमें डोम्स मौजूद हैं सो बेसिकली यू कैन टेक एनी ऑफ द बिल्डिंग जिसमें डोम्स मौजूद हों और आप उसको जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ ले या फिर वुड uh, में जो है वो uh, जो भी आप समझते हैं कि आपने उसमें काम करना है आप उसमें काम कर लीजिए अगर आप वुड में काम कर रहे हैं तो आप वुड uh, के लिए जो है वो आप uh, दूसरे कार्विंग टूल्स इस्तेमाल होंगे उनके साथ जो है वो इसी तरह से पहले वुड के ऊपर अपनी ड्राइंग कीजिए फिर एक्स्ट्रा वुड को निकाल दीजिए फिर उसके बाद जो आपका एरिया बचता है उसकी बेहतर है कि आप आउटलाइन कर लें और फिर उसके एजस को स्मूथ करते हुए आप उसके अंदर मज़ीद जो है वो काम करते जाएँ सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर जिसमें जो है वो मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी है सो so होपफफुली आपको जो है वो ये ठीक से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से काम करना है एंड इट इज़ और होपफुल भी क्लियर हो गया होगा कि मैं ऑल्टो रिलीफ जब आपसे कह रही हूँ तो वट इज़ द डिमांड ऑफ द असाइनमेंट कि आपसे किस तरह का रिलीफ स्कल्पचर जो है वो रिक्वायर किया जा रहा है so, सो आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और उसको आप फिर गूगल uh, क्लासरूम में जो है वो सबमिट करवा दीजिए फॉर द मार्किंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक इफ़ देर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन योर गूगल क्लास बेस्ट ऑफ़ लक स्टूडेंट्स टेक केयर असलकम